ओके सो हाय गाइज, वत्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइज, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ गाइज कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइज, इस टाइप की फोटो एडिटिंग में गाइज कुछ बैकग्राउंड पेंजेस की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, जो कि गाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड करना, नहीं तो गाइज अगर आप बीच में छोड़ के जाओगे तो गाइज आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा एंड जो एडिटिंग है आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो गाइज आप लोग पहले वीडियो कंप्लीट देख लो एंड उसके बाद गाइज जो भी बैकग्राउंड पेंजेस है फिर डाउनलोड करना। एंड गाइज मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ गाइज, अगर आपको कोई भी कंटेंट या कोई भी फोटो एडिटिंग आपको चाहिए हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मैसेज करके बता देना, मैं आप लोगों के लिए उसका ट्यूटोरियल ला दूंगा। तो गाइज अगर अभी तक आप सबने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो गाइज। काफ़ी लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है तो गाइज उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है, तो गाइज बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइज, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइज आपको जाना ऐड फोटो में एंड गाइज यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइज पोज जो है आप इसमें कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब कैसा भी नहीं, मतलब कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सेम, बट आप इसमें थोड़ा सा मतलब क्रिएटिविटी करना चाहो तो कर सकते हो पोज में अपनी, बट गाइज आपको पोज जो है कुछ इस टाइप का ही रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको गाइज यहाँ पे रेजर टूल में जाना है एंड जो मतलब गाइज पोज को जब मतलब आप अपने मॉडल को जब ऐड कर लोगे तो गाइज आपको कुछ ओपेसिटी कम करके चेक करते रहना है। एंड उसके बाद आपको रेजर टूल में हार्डनेस को ले जाकर फुल कर देना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है फोटो को जो है मतलब बीच का जो एरिया होगा ये वाला आपको सिंपली इस तरीके से आपको इरेज करना है, ठीक है। तो आप लोग आराम आराम से करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट करूँगा तो गाइज आप लोगों को थोड़ा फास्ट लगेगा, तो गाइज आप लोग आराम से करना ताकि जो आपका एडिटिंग है जो एकदम अच्छे तरीके से हो। तो अब इनसे फटाफट इरेज करते हैं। सो गाइज हमारी जो यहाँ पे जो हमें जितना इरेज करना था हम यहाँ पे कर लिया है। तो गाइज आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइज जब आप इतना इरेज कर लोगे तो उसके बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपनी फोटो को डन कर देना है, ठीक है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर जाना ऐड फोटो मैंड गाइज, यहाँ से आप सभी को स्मोक का पीएनजी ऐड करना है, ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसको ऐड करना है। एंड उसके बाद आपको करना, आपको यहाँ पे गाइज जो फ्लिप रोटेट वाला ऑप्शन होता है गाइज आपके पिक्सार्ट में भी होगा, तो आपको सिंपली करना है आपको उस पर एक बार जाकर ऐसे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको फिर रोटेट कर लेना है। एंड गाइज उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स जो है स्मोक के पास जो है आपको ट्रेन में जो स्मोक निकल रहा है आपको उसके पास कुछ स्टेप्स ऐसे लगा देना है। एंड उसके बाद आपको क्या देना है, आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइज जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइज यहाँ से आप सभी को ऐड करना है विग्नेट का पीएनजी, ठीक है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स इसको जो है मतलब कि इतना कर देना है, ऐसे फुल स्क्रीन करके रख देना है। एंड उसके बाद कर देना अपनी फोटो को डन। एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे सिंपली सेव कर लेना है। एंड इसको लेकर चलना आपको लाइट रूम ऐप में, क्योंकि जो रीटचिंग वगैरह हम लाइट रूम ऐप में करेंगे, तो क्या यहाँ पर मैंने फोटो को पहले से ही एड कर रखा है, तो आपको सिंपली करना आपको जाना स्लाइट वाला ऑप्शन में, आपको यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज करना है, एंड जो हाईलाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा कम करना है, एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद आपको जो व्हाइट है इसको यहाँ पे कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी थोड़ा यहाँ पे कम कर देना है। फिर आपको जाना कलर्स में, आपको यहाँ पे गाइस वाइब्रेशन को कम करना है, एंड जो टेम्परेचर इसको भी कम करना है। एंड जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको कम करना है, एंड जो ल्यूमिनस इसको बढ़ा देना है। फिर आपको जाना ऐसे येलो कलर में, आपको इसका ह्यू चेंज करना है एंड इसका सैचुरेशन प्लस करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको जाना डार्क ब्लू में, आप यहाँ पे स्काई ब्लू कलर देना आपको फोटो में, तो ह्यू को कम करना है एंड सैचुरेशन प्लस। फिर आपको डन कर देना है। एंड जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, एंड फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना, आपका मिले ग्रेन अमाउंट आपको उसको बढ़ाना है। एंड उसके बाद आपको जाना ऐसे नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोड रोडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिले आपको कलर नोड रोडक्शन आपको इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।